ट्रापीजियम में, किसी भी आइसोसेलेस ट्रापीजियम में बच्चों, आइसोसेलेस ट्रापीजियम मतलब जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि AD इज इक्वल टू BC होता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ओके, तो ये चीज होती है, करेक्ट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको बस देखना पड़ेगा, है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। करेगी इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। समझो, देखो मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन का काम केवल इतना होता है कि वो सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बात समझो। देखो हमारे पास है ट्राइंगल ABC, इस तरीके से एक हमने बना लिया बच्चों क्या ट्राइंगल ABC, करेक्ट। यहाँ पर A है, ओके, और यहाँ पर क्या है B है, और यहाँ पर क्या है C है, करेक्ट। तो मीडियन AD आ रहा है। अब देखो मीडियन AD A से यहां से निकल के एक लाइन सेगमेंट आ रहा है जो कि BC को D पे इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट। सो यहां पे देखिए ये D है, सो हम A को अगर D से ज्वाइन करें बच्चों, तो ये AD क्या है मीडियन है, और अगर AD मीडियन है तो ये केवल और केवल सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आई रिपीट, पॉइंट D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, बस इतना ही। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां पे 90-90 नहीं होगा, नहीं सुनो, मीडियन सामने वाले साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बस 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ना, यानी कि AB = AC हो जाता, तब यहां पे 90-90 भी बनता, या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता, ये AB AC BC आपस में इक्वल होते, तब यहां पे 90 बनता, अदरवाइज यहां पे 90 नहीं बनेगा, करेक्ट। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने आपको केवल बोला है कि भाई ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस भी नहीं बोला है, इक्विलेटरल भी नहीं बोला है, इसलिए आप केवल ये सोचोगे कि मीडियन केवल अपना काम करेगा क्या, कि वो सामने वाले साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि बच्चों AD अगर मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD का लेंथ CD के इक्वल होगा। ओके, सो हम यहां सॉल्यूशन में पहले नोट कर लेते हैं कि AD इज द मीडियन, हेंस वी कैन से दैट AD इज द मीडियन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या कि D is the mid point of BC, करेक्ट स्टूडेंट्स, D is the mid point of what? BC, सीधी सी बात है भाई, D जो है BC का मिड पॉइंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, आइए, कह रहा है कि इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। सुनो एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि AD ABC का मीडियन है, हाँ भाई है, और सुनो E is the midpoint of median AD, यानी कि median AD के ऊपर कोई point E lie करता है बच्चों, और ये जो E है ये AD का ही midpoint है, सुन लो ध्यान से, पढ़ लो ना, E is the midpoint of median AD, so यहाँ पे एक point E है और E is the midpoint of AD, ये भी आपको ध्यान रखना है, correct? So E is the midpoint, E is the midpoint of what? AD, ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। अब सुनो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं BE इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट F, बात समझो, BE इज प्रोड्यूस, तो पहले BE तो बनाओ, यानी कि B को E से ज्वाइन करो, ये B है और ये E है, इसको ज्वाइन करिए ये कुछ इस तरीके से। अब BE को जब ज्वाइन कर दिया तो BE आपको दिख गया, अब BE इज प्रोड्यूस्ड, BE को आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, BE इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट F, सो BE को प्रोड्यूस करो, ये BE को इस तरीके से प्रोड्यूस करो, ये आगे इस तरीके से बढ़ाइए इसको, ठीक, BE को प्रोड्यूस किया, और BE AC को कहां पे मीट करता है, F पे, पढ़ लो ना क्वेश्चन, कह रहा है कि BE इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट F, BE को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो AC को कहां पे मीट करता है, F पे, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है कि शो दैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC, ओके, ये जो AF है, ये क्या है 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट, AC है, ओके। तो देखो अगर ये चीज आपको प्रूफ करनी है ना, ये चीज अगर आपको प्रूफ करनी है तो थोड़ा थोड़ा आपको फील लेना होगा, क्या सर, आपको फील ये लेना होगा, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, यानी कि 3 को इधर भेज दें, तो 3 × F, ओके, 3 × AF, 3 × AF इज इक्वल टू व्हाट, 1 × AC, यानी कि AC, यानी कि बच्चों वो ये कहना चाहता है कि आप किसी तरीके से प्रूफ करो 3 × AF, यानी कि AF का अगर हम 3 times कर दें, सुन लो, AF का अगर हम 3 times कर दें तो वो AC के इक्वल आ जाता है, ये कहना चाहता है कि AF जो है वो AC का 3 times, भाई अगर ऐसा आ गया तो आप वापस से 3 को इधर भेज दोगे, सो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC by 3 का मतलब क्या होता है, 1/3 AC, ओके, AC by 3 का, भाई 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, AC by 3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 AC, समझ गए, यानी कि अगर आप ऐसा भी लाने में कामयाब हो गए ना कि 3 times AF इज इक्वल टू AC, तब भी बात बन जाएगी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो यहां पे आपको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन, ठीक, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा,
वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करो। हम एक काम करते हैं, हम BF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं DG, ओके, या DM, कुछ भी आप कर सकते हो, करेक्ट। सो ड्रॉ DG पैरेलल टू व्हाट? BF, ओके। सो कंस्ट्रक्शन एक करिए, यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ व्हाट? DG पैरेलल टू BF, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान से चेक करो, ये BF है और BF के पैरेलल ये इस तरीके से DG हमने ड्रॉ किया, विच मीट्स AC एट G, ओके। ड्रॉ DG पैरेलल BF, दिस DG मीट्स AC, DG मीट्स AC एट पॉइंट G, ओके। ये जो DG जो कि BF के पैरेलल है, ये AC को पॉइंट G पे मीट करती है, करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी बच्चे, देखो बहुत ध्यान से सुनो, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AD का, करेक्ट। और अभी हमने बोला कि भाई DG पैरेलल है किसके? BF के। तो अगर DG पैरेलल है BF के, तो DG BF के पार्ट EF के भी पैरेलल होगा, ये सुनो भाई, चेक करो ना, ये DG अगर पूरा BF के पैरेलल है, सो DG BF के पार्ट EF के भी पैरेलल होगा, यानी कि DG इज पैरेलल टू EF, ओके, दिस DG इज पैरेलल टू व्हाट? EF। तो सुनो, अगर आप ट्रायंगल देख रहे हो, कौन सा ट्रायंगल? ADG को अगर आप देख रहे हो, ADG को देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने इन ट्रायंगल ADG को देखा बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल ADG को आप देखेंगे अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, यस और नो? मैं अलग से बना दूं अगर आपको प्रॉब्लम है, ADG को मैं आपके लिए अलग से बना देता हूं, इस तरीके से ये लीजिए, ठीक है ना, ये देखिए ठीक है, यहां पे A है, ओके, यहां पे क्या है, यहां पे D है, ओके, सो यहां पे क्या है? D है, ओके, और यहां पे क्या है? G है, करेक्ट स्टूडेंट्स, और यहां पे क्या है? F है, कुछ इस तरीके से, ये F है, ओके, और यहां कहीं क्या है? E, यहां कहीं क्या है? E, अब दिख रहा है? अब सुनो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यस और नो? क्वेश्चन में दिया है भैया, सुनो, मीडियन का जो मिड पॉइंट क्या है? E है, पढ़ लीजिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, ओके। सो इन ट्राइंगल ADG हमने क्या लिखा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, सुनो E क्या है? AD का मिड पॉइंट है, और सुनो DG जो है वो EF के पैरेलल है, या सुनो चेक करो, DG जो है अगर वो BF के पैरेलल था, तो DG EF के भी तो पैरेलल हो जाएगा, करेक्ट। सो DG इज पैरेलल टू EF, DG इज पैरेलल टू EF। अब सुनो, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो और उस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट पास कर रहा हो जो कि उसके थर्ड साइड के, मतलब उसके ये बेस वाले साइड के अगर पैरेलल हो, तो वो जो थर्ड साइड बचती है यानी कि AG, उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। अब यहां तक पहुंच गए हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो आता ही होगा मेरे ख्याल से ना। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, करेक्ट, और DG इज पैरेलल टू EF। सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम EF बाइसेक्ट AG, ओके। तो ये दोनों बातें लिखने के बाद, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD ऑल्सो, DG इज पैरेलल टू EF, सो हम बोल सकते हैं कि EF बाइसेक्ट AG, ये जो EF है ये AG को पॉइंट F पे बाइसेक्ट करता है, ओके। सो EF बाइसेक्ट AG एट पॉइंट F, ओके। तो EF AG को अगर F पे बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, करेक्ट, F AG का मिड पॉइंट है, सही है ना? तो हम बोल सकते हैं हेंस पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, ये सुनो। अब सुनो, अगर F AG का मिड पॉइंट हो गया बच्चों, इसका मतलब AF का जितना लेंथ है उतना ही FG है, सो AF इज इक्वल टू व्हाट? FG, ये सुनो, ओके। सो AF इज इक्वल टू FG, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं। सो AF इज इक्वल्स टू कितना आ गया? FG आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, हम कोई और ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकें,
ठीक है ना। सो देखते हैं, देखो बच्चों अब हम करेंगे एक काम, क्या बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, ट्राइंगल एफ बी सी को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, इन ट्राइंगल एफ बी सी को अगर आप देखोगे, करेक्ट। सुनो मैं आपके लिए इसको अलग से बना देता हूं, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, एफ बी सी को मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से, ओके। सो यहां पे एफ है, ये एफ है, ठीक, ये बी है, ओके, ये बी है, ओके, और यहां पे सी है, सही है ना, यहां पे क्या है, सी है, ओके। उसके बाद बहुत ध्यान से करेंगे, सुनो सुनो, इस बार मैं ई को नहीं दिखा रहा हूं, बी एफ के ऊपर ई लाई कर रहा है ना, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, ये देखो बी एफ के ऊपर ये ई लाई कर रहा है ना, इसको इस बार हम लोगों ने नहीं दिखाया, इसका कोई काम नहीं है। सुनो अब बी सी का मिड पॉइंट डी है, ये सुनो, क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई, अरे ए डी क्या था, ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन था, सही ना, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ वॉट, बी सी, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ वॉट ऑफ बी सी, इस चीज को हमने नोट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स एफ और सी के बीच में कहीं पे जी, सो यहां पे हमने जी को बना लिया, ओके। अब सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी, सुनो, हमने डी को जी से जब ज्वाइन किया, डी को जी से जब ज्वाइन किया, तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों ट्राइंगल एफ बी सी में बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, ठीक। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और सुनिए ये डी जी पैरेलल क्या है, बी एफ के, ओके। सो दिस डी जी इज पैरेलल टू व्हाट, बी एफ, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन में यही तो किया था, डी जी पैरेलल बी एफ किया था, करेक्ट। तो आप देख लो कि ट्राइंगल एफ बी सी में, ठीक है, बी सी के मिड पॉइंट डी से एक लाइन सेगमेंट डी जी पास कर रहा है जो कि बी एफ के पैरेलल है, तो वो जो थर्ड साइड है यानी कि एफ सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ओके। सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि डी जी बाइसेक्ट एफ सी, डी जी बाइसेक्ट एफ सी एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी। अब सुनो अगर डी जी ने एफ सी को बाइसेक्ट कर दिया बच्चों, इसका मतलब जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी, ये सुनो, इसका मतलब यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जी इज द मिड 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 पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ एफ सी, ओके। अगर बच्चों जी मिड पॉइंट है किसका, एफ सी का, सो एफ जी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, जी सी के, सो एफ जी इज इक्वल्स टू व्हाट, जी सी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर टू, ओके स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन नंबर वन में आपने को क्या दिखाया था, अभी ए एफ एफ जी के इक्वल है, चेक करो ये ए एफ किसके इक्वल है, एफ जी के, और इक्वेशन नंबर टू में आपने क्या दिखा दिया कि भाई एफ जी किसके इक्वल है, जी सी के, इसका मतलब ए एफ एफ जी और जी सी तीनों ही आपस में इक्वल है, जिसको अभी भी नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन नंबर वन को यहां कॉपी कर लो, ठीक। मैं आपको दिखाता हूं इक्वेशन नंबर वन में रिजल्ट क्या आया था, ए एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ जी, ओके, ए एफ इज इक्वल टू एफ जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एफ एफ जी के इक्वल है, तो एफ जी भी ए एफ के इक्वल होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, सही ना। सो ये इक्वेशन वन का रिजल्ट था ये वाला, तो वन और टू को देखो, ठीक है ना बच्चों, बहुत ध्यान से, फ्रॉम वन एंड टू अगर आप वन और टू को देखोगे तो एफ जी भी ए एफ के इक्वल है ना, या फिर आप बोल सकते हो जी सी भी एफ जी के इक्वल है, ए एफ भी एफ जी के इक्वल है, यानी कि जी सी और एफ जी आपस, जी सी और ए एफ आपस में इक्वल होंगे। अरे भाई जी सी भी एफ जी के इक्वल है, ए एफ भी एफ जी के इक्वल है, इसका मतलब जी सी और ए एफ आपस में इक्वल होंगे, ओके। सो जी सी इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, लेकिन दोनों ही किसके इक्वल थे, एफ जी के, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एफ जी के इक्वल कर दिया। सो जी सी ए एफ एफ जी तीनों ही आपस में इक्वल आ गए यहां से, ये देखिए करेक्ट। तो एक रिलेशन बहुत अच्छा मिला है लेडर्स से, इसको हमने क्या बोला, थ्री बोला, करेक्ट स्टूडेंट्स। यानी कि जरूरत पड़ने पर आप जी सी की जगह ए एफ रख सकते हो, एफ जी की जगह ए एफ रख सकते हो, ए एफ की जगह एफ जी रख सकते हो, कुछ भी किसी की जगह रख सकते हो, तीनों ही आपस में इक्वल है, ओके। अब देखिए इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ए एफ इज इक्वल टू व्हाट, वन बाय थ्री ए सी। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, पहले आप ए सी लिखो, ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी, ए एफ, सॉरी ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी। अरे भाई
AF की लेंथ में FG ऐड करो, उसके बाद उसमें GC ऐड करो, तभी तो AC की लेंथ मिलेगी, तीनों को ऐड करोगे। सो AC इज इक्वल्स टू व्हाट? AF प्लस FG प्लस GC, यस और नो? ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें, आपको AC बचा के रखना है, AF बचा के रखना है बस, यानी कि FG गायब करना है और GC गायब करना है। तो कैसे करेंगे? AC इज इक्वल्स टू AF को ऐसे ही रहने दो, AF लेके आना है ना, AF को ऐसे ही रहने दो, और प्लस ध्यान से चेक करो FG की जगह क्या लिख सकते हो आप? अरे FG की जगह फिर से AF लिख सकते हो, यस yes, यहां पे देखो FG की जगह हम AF लिख सकते हैं, FG AF GC सब आपस में इक्वल हैं, सो FG की जगह हमने AF लिख दिया, FG की जगह हमने AF लिख दिया, ओके okay? और रीजन दे दीजिएगा कि FG इज इक्वल्स टू व्हाट? AF, ओके okay? और प्लस GC की जगह भी आप क्या लिख सकते हो? चेक करो GC भी किसके इक्वल है? AF के, ओके okay? सो GC की जगह भी हमने क्या लिख दिया? AF लिख दिया, ओके okay? अब देखो जैसे x plus x 3x होता है ना, वैसे ही AF plus AF plus AF कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स AF, सो यहां से क्या हो जाएगा? AC is equals to AF plus AF plus AF 3 times AF, ओके okay, यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, क्या कि अगर आपने 3 times AF is equals to AC ले आया तो बात आपकी बन जाएगी, चेक कर लो 3 times AF is equals to AC आ गया, है ना भाई, AC अगर 3 times AF के है तो हम बोल सकते हैं क्या कि this implies 3 times AF, 3 times यानी कि 3 into AF, 3 times मतलब 3 into AF is equals to what? AC, अब 3 multiply है उधर जाएगा, divide मारेगा, ठीक है ना, so AF is equals to AC by 3, ओके okay, और यहां से AF is equals to, सुन लो, AC by 3 को आप क्या लिख सकते हो? 1 by 3 AC भी आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि AC into 1 वापस AC हो जाएगा, अपॉन में 3, तो इस चीज को हम 1 by 3 AC भी लिख सकते हैं, so AF is equals to what? AF is equals to 1 by 3 AC आ गया। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में एक वेरिएशन करके दे सकता है, मैं आपको बता दूं, पता क्या दे सकता है आपको? आपको दे सकता है बच्चों प्रूव दैट FC is equals to what? FC is equals to, ये देखिए F से C तक का जो लेंथ है, ओके तो वो आपको दे सकता है क्या? 2 by 3 AC, ये आपको दे सकता है, ये एग्जाम में इसमें वेरिएशन कर सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? FC is equals to 2 by 3 AC, ओके स्टूडेंट्स लो, यहां तक तो ऐसे ही प्रूफ करना है, AF is equals to 1 by 3 AC, यहां तक प्रूफ करने के बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए ये पार्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक, सो इतना करने के बाद आपने क्या करना है वहां पर एग्जाम में, देखो बच्चों आपको इतना प्रूफ करने के बाद आप FC की लेंथ निकालोगे, FC की लेंथ कैसे आएगी भाई? चेक करो ना, FC इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान दे स्टूडेंट्स, FC कैसे मिलेगा सर? FC मिलेगा AC में से AF माइनस कर दो, अरे भाई चेक करो ना, AC में से AF माइनस कर दोगे तो FC मिल जाएगा, सो FC इज इक्वल टू व्हाट? AC माइनस AF, FC इज इक्वल टू AC माइनस AF, ठीक। अब क्या करेंगे? FC इज इक्वल्स टू AC को हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस AF की हम वैल्यू रखेंगे ये वाली, सही है, सो AF इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 बाय 3 AC, बस इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कुछ बच्चे माइनस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से AC कॉमन ले लो, ठीक, AC कॉमन ले लोगे, सो फर्स्ट टर्म में AC बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा, ओके सो AC आ गया बाहर, सो यहाँ ब्रैकेट में AC चला गया बाहर तो 1 बचेगा, और फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लेंगे, ये वाला AC चला गया सो 1 बाय 3 बचेगा, ये लीजिए, सो यहां से क्या हो गया? FC इज इक्वल्स टू AC, और देखो 1 माइनस 1 बाय 3 कितना होता है? 2 बाय 3 होता है, एलसीएम लो ना, ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये? 2 बाय 3 हो गया, 1 माइनस 1 बाय 3 क्या होता है? 1 माइनस